तो दिख रही मैं आपको एक नई जगह पे, पुणे में इतनी ज्यादा गर्मी है ना, तो हम लोगों को उस गर्मी से बाहर निकलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। जो ऑप्शन मिला वो था ये प्लेस, और ये प्लेस है महाबलेश्वर। तो आ गए हम एक नए रिजॉर्ट को आपके सामने लेकर। महाबलेश्वर में, और उसपे भी हमने एक रिजॉर्ट को शूट किया था, और वो प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो हम उसने क्यों ना ये एक और प्रॉपर्टी, ये भी हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो क्यों ना आप लोगों को एक सजेशन मिल जाएगा इस गर्मी में यहाँ पर आने का, ठीक है? क्योंकि महाबलेश्वर में अभी टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। तो सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले रूम टूर दे देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए रूम, और ये रूम सबसे अभी क्लीन है बिल्कुल, अभी हमने एंटर किया है, तो क्यों ना पहले रूम टूर लिया जाए, बाद में आपको पूरा रिजॉर्ट का टूर कराएंगे। तो ये हमारा रूम है, और ये रूम के सामने लॉबी है, काफी लंबी सी लॉबी थी, और लाइन से सबकी रूम है यहाँ पर। और हमारा रूम है रूम नंबर 508, ये सेकंड फ्लोर पर है, ठीक है? तो चलिए रूम पे एंटर होते हैं। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी वार्डरोब, जहाँ पर हमने आते से अपने कपड़े रख दिए। तो थोड़ा आगे आने के बाद आपको मिलने वाला है यहाँ पर आपका टी सेट, ठीक है? यहाँ पे आप चाय कॉफी बना सकते हैं, यहाँ पे दो बिस्लरी की बॉटल दी हुई है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, वो मिरर है, यहाँ पे हमने अपना सामान रखा है, यहाँ पर है मिनी फ्रिज, तो ये है वॉशरूम। यहाँ पर भी वॉशरूम में भी ना सारी जो ब्लैक फिटिंग दी हुई है यहाँ पर, और वो ब्लैक फिटिंग इतनी अमेजिंग लग रही है ना प्रॉपर्टी में। हाँ, शावर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रॉपर सारी फिटिंग ना जैगवार की है, सब कुछ जेट स्प्रे से लेके। यहाँ पर इन लोगों ने स्लीपर्स भी दिए थे, जो कि मैंने हड़प लिए हैं, ये देखो। तो आगे आपने वो यहाँ पर आपको मिलेगा आपका किंग साइज का बेड, अमेजिंग। ये पूरी हम लोग को फीलिंग आ रही है जो हमने मुंबई वाला वीडियो बनाया था ना, उसमें फाइव स्टार होटल था वो, फर्न रेसिडेंसी, तो पूरा वैसे ही, और बड़ी साइज का रूम है। यहाँ पर आपको मिलेगी टीवी, ठीक है, सेट टॉप बॉक्स है, और ये बहुत अच्छा सा टीवी यूनिट बना है, काफी सारा स्पेस है यहाँ पर, आप सामान भी रख सकते हो, रिसेप्शन रखा है, ऐसा लैंप हमने देखा था इगतपुरी वाले रिजॉर्ट में। हाँ, यहाँ पे इन्होंने सोफा भी दिया, पता है सोफा भी ऐसा है, सोफा कम बेड है, तो अगर कोई गेस्ट आ रहा है आपसे मिलने के लिए, तो इसको बाहर खींच के इसको अच्छे से यूज कर सकते। और यहाँ पे देखो टेबल कितना प्यारा, मार्बल का टेबल है मस्त। हाँ, और यहाँ पर एक ग्लास है, आपको पता है कि जो कि वॉशरूम में आता ही है, आजकल एक फैशन हो गया है थोड़ा सा, है ना? तो चलिए अब आते हैं हम लोग बालकनी की तरफ। यहाँ पर भी स्लाइडिंग डोर दिया है बालकनी को, प्रॉपर बालकनी दी है, अच्छे से बड़ी सी बालकनी दी है, चिपल टेर दिए हैं, और ऊपर से खुली प्राइवेसी दी हुई है, लेकिन हाँ सामने से कोई प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि बाजू में सारे रूम्स की विंडो है, सबकी बालकनी है। और ये देखिए जी, सबसे ब्यूटीफुल व्यू है पूल का, यहाँ पे भी रूम्स हैं, वो जो सामने वो विलाज हैं, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये विलाज है पूरे, शांति भी लग रही है, प्लस टेम्परेचर भी नहीं इतना ज्यादा तेज, कड़क धूप भी नहीं, अच्छा लग रहा है। अपने पुणे में गए, थोड़ी देर पे बाहर चले गए, पूरा स्वेटिंग हो जाता है। आ जाओ मैं आपसे बात कर लेती हूँ। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिजॉर्ट अभी नया नया ही है, अभी इस पे काम चल ही रहा है, तो अगर आपको आना है तो फटाफट अभी आ जाओ समर टाइम पे, बिकॉज पूल भी यहाँ पे अछा है, रूम्स भी काफी बड़े, और अभी बच्चों के भी छुट्टियां हो जाएगी, समर वेकेशन हो जाएगा, तो आपके लिए परफेक्ट प्रॉपर्टी रहेगी। तो यहाँ पर ना चार टाइप के रूम्स आपको मिलने वाले हैं। हमने जो रूम बुक किया है, ये रूम बुक किया है हमने सुपीरियर रूम, ठीक है? इसके बाद दो रूम और है, जो कि रहेगा लग्जरी रूम विद बाथटब, और एक और लग्जरी है उसमें जकूजी भी है, ठीक है? और यहाँ पर सामने जो हमने देखा है ना, वो विलाज है, वो फैमिली विला है, तो वो भी आप चाहते हो तो, अगर बड़ी फैमिली है तो वो भी आप बुक कर सकते हो। वो डुप्लेक्स बंगलो है और उसमें प्लंज पूल है। और साथ ही साथ हम लोग आज के लिए हमने ये वाला रूम बुक किया है, लेकिन कल हम जाने वाले लग्जरी रूम विद बाथटब, तो कल मैं आपको उसका भी एक पूरा रूम टूर दे दूंगी, ठीक है? तो चले अब हम पहले पूरा रिजॉर्ट देख लेते हैं, और फिर कल मैं आपको ब्रेकफास्ट के साथ दूसरे रूम का
टूर कराऊंगी। ठीक है, तो इस टूर से हम लोग आए थे मॉर्निंग में और ये यहाँ से एंट्री है रिजॉर्ट की। और मैं आपको पूरा रिजॉर्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रिजॉर्ट के बिल्डिंग, यहाँ पर ह्यूज पार्किंग दी है, काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है। ये है बंगलो जो मैं आपको बता रही थी, जो पंचकूल के साथ में है। देखो यहाँ तक पार्किंग है पूरी। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौन कौन से 3 बंगलो हैं जो कि फैमिली डुप्लेक्स विद प्लंज पूल है ना। और यहाँ पे लॉन है, काफ़ी हरी घास पूरी सूखी सूखी सी लग रही है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली सीज़न नहीं है ना अभी, अभी सीज़न नहीं है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है ना इनके 2 बाथटब वाले रूम इधर हैं। ये इनका स्ट्रॉबेरी फार्म था। हाँ, मतलब है लेकिन ये सूख गया अभी। हाँ, ये स्ट्रॉबेरी है, ये ना ये सब स्ट्रॉबेरी है। अरे गोभी लग रही है, मस्त पत्ता गोभी है। गोभी का फार्म है इधर। खेलने के लिए अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है। हाँ, हम बॉल भी लेके आए हैं, हम बॉल खेलेंगे यहाँ पे कल। हाँ, यहाँ पे स्लाइडर है और स्विंग है। चलो अब आपको हम दिखाते हैं रिजॉर्ट का एंट्रेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है, हम सिर्फ साइड से थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं रिजॉर्ट पे क्या क्या कहाँ कहाँ है। सारे एरोज दिया फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर पूल, सब एंजॉय कर रहे हैं। और ये एक्चुअली एंट्रेंस है, यहाँ पर रिजॉर्ट लगे हैं तो फिर हम इधर से जाएंगे। और यहाँ पर भी रूम से ऊपर, ये वाला रूम हमारा है ना, हमने ऊपर से देखा अभी थोड़ा सा। इस तरह से ये लिफ्ट है एक्चुअली, बट अभी काम चल रहा है ना। ये रेस्टोरेंट है, ये पूरा रेस्टोरेंट है, ये बहुत नीट एंड क्लीन प्रॉपर सिस्टमेटिकली बिल्कुल सेट किया हुआ है रेस्टोरेंट। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे कुछ भी अगर फंक्शन होता तो यहाँ पे शायद दिखते हैं वो पूल साइड पे। और ये यहाँ का सिटिंग है प्रॉपर बढ़िया सा। यहाँ पे उन लोगों ने है ना किचन वगैरह आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, किसी को परचेज करने हैं तो यू कैन बाय देम फ्रॉम हियर। यहाँ पे कुछ बुक्स भी हैं। और इस तरीके का यहाँ का पूरा रिसेप्शन एरिया, एंट्रेंस एरिया है। अच्छा है रिजॉर्ट, बहुत अच्छे से बनाया, बिल्कुल सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है। कि यहाँ पर इनकी कुछ सिटिंग है वो भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक सिटिंग है, यहाँ पर एक सिटिंग है, आराम से यहाँ बैठ के आप पूल व्यू एंजॉय कर सकते हैं। चलो अब निकलते हैं बाहर। मैं यहाँ पूरा शूट कर चुकी हूँ, अब मेरा चियो पता नहीं कहाँ है। चियो बैठा है मस्त गाड़ी स्टार्ट करके, मेरा वेट कर रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये हमारी गाड़ी। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं रूम पे वापस। और मुझे यहाँ का रात का ना जो माहौल है बाहर का वो एक बार मुझे दिखाना, आप देख लो। और उसके बाद फिर हम आपको कल सुबह मिलेंगे सीधे, बट इसके पहले एक बार ये ग्लिम्स देख लेना आप। वहाँ पे स्क्रीन पे IPL चल रहा है, यहाँ पे लोग डिनर कर रहे हैं और यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है, अमेजिंग। हम भी जाएंगे अब नीचे थोड़ी देर के लिए, है ना। सो हम आपको मिलते हैं अब सीधे कल सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे, ठीक है। चलो फिर सिया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाबलेश्वर। इतनी गहरी नींद लगी थी नगज, अभी भी आँख नहीं खुली है हमारी। नीचे से रेस्टोरेंट से कॉल आया कि यार उठ जाओ, 10:15 हो गए, 10:30 बजे ब्रेकफास्ट बंद होगा। अभी उठा हुआ हूँ, बस फ्रेश हुए हैं, अभी बस जा रहे हैं नीचे जल्दी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो लेट्स सी कि ब्रेकफास्ट में आज क्या है, ठीक है चल। देखो यहाँ पे है पाव भाजी, ये है मेंदू वड़ा सांभर, ये है वरमसली, साबुदाना खिचड़ी और स्ट्रॉबेरी।
देखो मैंने ये लिया ब्रेकफास्ट में, नक्टू ने क्या ली, अंडे का भुर्जी, साबुदाने की खिचड़ी, मेंदू वड़ा और वर मछली। अच्छा कलिंगड़ बाद में ले सकती थी ना? सब ली मैं पहले, अब दोनों कलिंगड़ ही खाऊंगी। क्या खाओगे कलिंगड़? खाओगे ये खा के बताओ कैसा है। क्या कलिंगड़ तो अच्छा होना ही है पागल। मतलब ये नट्टू बोल रही कि सब लोग नहा के फ्रेश होकर हमें की नींद से उठ के आए। हमको देखते से पूछता हूँ 508 ना, उसको पता है लेट लतीफ है ये लोग। ओके गाइस, तो हम अभी रूम चेंज कर रहे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और फाइनली बाथटब रूम में जाने का टाइम आ गया। हमारा रूम नंबर है 401। सो ये है हमारा रूम नंबर 401। सो ये रूम में अंदर आने के बाद में यहाँ पे उन्होंने दिए हैं दो बड़े से वार्डरोब। अब यहाँ पे भी एक दरवाजा, ये भी डायरेक्ट वॉशरूम में जाता है बट अभी फिलहाल लॉक है अंदर से। और फिर यहाँ पे ये है मिरर और ये है हमारा बड़ा सा रूम। छुपके क्यों खड़ी है तू? और यहाँ पे भी सोफा है और ये बहुत बड़ी सी बालकनी है, देखो उससे बड़ी बालकनी है ना। और हम उस रूम में थे, वो वाले रूम में, वहां से यहाँ शिफ्ट कर गया। और यहाँ पे जो है ना एसी नहीं है, यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी है बिकॉज ये सारे बाथटब वाले रूम है तो इनको सेंट्रलाइज एसी दिया है। फ्लोरिंग बहुत अच्छा है इसका। ओ वाओ अमेजिंग है, देखो ये इसका बाथरूम है, बाथटब दो ये है बेसिन से। और आपको पता है इतना लैविश सा ये अच्छे से लग्जरी होटल्स में देते हैं ना उस तरीके का है। और इसका एक दिन का कॉस्ट है सिर्फ 7,000 रुपये, लग्जरी होटल्स में 11,000-12,000 लेते हैं ऐसे रूम का। दोनों के लिए डोर्स अलग हैं, नाइस। बस यहाँ पे ना वो ब्लैक वाले फिटिंग्स नहीं है, है ना, ये ब्लैक फिटिंग्स नहीं है। तो आप बताओ आपको कैसा लगा ये रूम? अच्छा लगा, बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें तो नई नई दिख रही है अपने को, कुछ चीजें हैं जो पुरानी, तो मुझे ऐसा लगता है उसको शायद 90% रेनोवेट किया है ऐसा। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा बिकॉज यहाँ पे जिम भी बना हुआ नहीं है अभी तक, अभी जिम भी बनना है तो कुछ चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कोई रिनोवेशन नहीं हुआ है। हाँ हो सकता है कि कभी कभी चीज बनते टाइम पे ना कुछ चीजें रख जाती है बहुत दिनों से तो ऐसा लगता है कि ओल्ड फिनिश है। और ज्यादा ज्यादा एक ही चीज के लिए लगा, जो स्टेयरकेस के बाद जो हैंडल होता है ना, बस वही देख के नक्टू को लगा कि यार पुराना है, बाकी सब नया है, कुछ भी ऐसा नहीं। अब ये देखो ये भी कितना फ्रेश लग रहा है, अनयूज लग रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज तो आपको उम्मीद है ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा बिकॉज हम यही चाह रहे थे कि आपको हर एक चीज अच्छे से दिखा दें एक बार, है ना। तो ये रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, आप प्लान कर सकते हो, स्पेशली कपल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। फैमिली के लिए वो जो सामने प्लंज पूल वाले डुप्लेक्सेस हैं वो उनके लिए है, बाकी जो एंटायर बिल्डिंग है ये कपल्स के लिए बहुत सही है बिकॉज बाथटब वाले रूम बहुत सही है। और स्विमिंग पूल का टाइमिंग सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक का है और अभी गर्मी चल रही है करके जा नहीं सकते 12-1 बजे तक, आपको शाम में जाना पड़ेगा या अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा। और आज हम बहुत लेट हो गए तो हमारा तो स्विमिंग पूल का कैंसिल हो सकता है, ज्यादा से शाम में चले जाएं हम, नहीं तो फिर ये है ही सही हमारा आज का पूल है मिनी पूल। आज साथ में मैच भी है CSK वर्सेस MI का, तो वो भी हम यहाँ से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं हमारी बालकनी से। yes. और नहीं तो बहुत हम शाम में पूल के टाइम पे जाएंगे नहीं, जो तो वहीं पर बैठ के एंजॉय करेंगे। yes. अच्छी जगह है पता है, वो डेमे वाला जो एरिया है ना वो बहुत प्यारा है। और अगर कोई ये जानना चाह रहा है कि वो जो रूम है विदाउट बाथटब वाला उसका प्राइसिंग कितना है, तो वो विद ब्रेकफास्ट आपको 5,000 रुपीज आएगा पर डे का और ये वाला 7,000 रुपीज आएगा विद ब्रेकफास्ट पर डे का। और इसके अलावा जो प्लंज पूल वाले जो डुप्लेक्सेस हैं उसका प्राइस है 10,000 रुपीज पर डे का विद ब्रेकफास्ट। एंड इसमें पीछे जो एक छोटी बिल्डिंग मैंने दिखाई थी वहां पे कुछ छोटे रूम है बिना बाथटब वाले जो कि उसका प्राइसिंग और कम है, मतलब 3,000 रुपीज विद ब्रेकफास्ट पर डे का। तो ऐसा है मतलब 3,000 से लेकर 10,000 तक सारे वेरिएशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, इट्स अप टू यू, आप कौन सा ऑप्शन लेते हैं।
ठीक है, चलो फिर ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज टू ऑफ अस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन स्टे टेक केयर। तो एक बस एविस वर्ल्ड जो है वो इस रिजॉर्ट के जस्ट बाजू में वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वो आपको जाना हो तो आप जा सकते हो। ज्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे, बस प्लेइंग, छोटे बच्चों की चीजें हैं, इसलिए हम गए नहीं। आपको इसलिए हम गए नहीं। हाँ बोले इससे अच्छे कि यहाँ से करीब में मैप्रो है, मैप्रो जाएंगे। ओके गाइस, तो हम आए हैं अभी मैप्रो, जो कि रिजॉर्ट से तकरीबन 3.5 किलोमीटर है। साढ़े तीन किलोमीटर था रिजॉर्ट से। अभी इन लोगों ने एंट्री चेंज करी है, पहले वहाँ से एंट्री थी, अब यहाँ से एंट्री करी है और वहाँ से एग्जिट करा है प्रॉपर। यार इन्होंने सीटिंग्स भी चेंज कर दी है, अच्छे से प्रॉपर सीटिंग करी है यहाँ से वहाँ तक। पहले सीटिंग उधर साइड की थी, पीछे की। अच्छा बनाया है ना पहले से, मतलब कुछ रिनोवेट करा। देखो यहाँ पे ऊपर भी है सीटिंग, तो इधर वाली सीटिंग पहले से ही थी, इधर वाली ऐड कर दी है। ये मेन इनका काउंटर से देखो कैसे ऑलरेडी बना के रखे हुए यहाँ पे, जैसे ऑर्डर आता है वैसे पैक करके देता है। ये मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी किम, जो आया मुझे 297 रुपीस का, और वो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम। अच्छा स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम मतलब यहाँ पे नीचे स्ट्रॉबेरी और बस ऊपर क्रीम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बीच क्या बीच में आइसक्रीम भी है, इसमें आइसक्रीम भी है, नीचे क्रीम है, देन स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, देन अनदर स्ट्रॉबेरी क्रीम की लेयर है। अच्छा चलो ठीक है, मतलब यहाँ पे आए तो ये तो फायदा हो गया कि कुछ खाने तो मिला। अच्छा हाँ बस यही खाएंगे, और हमें दो तीन यहाँ पे सिरप्स लेने हैं कुछ अगर लिए तो, और फिर लेके हम लोग बस यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे अब यहाँ से हम जाएंगे वीना लेक, ठीक है। चलो मैं आपको वीना लेक से मिलता हूँ। मैं भाभी से क्यों आता हूँ, कौन खा ले बता, हम मुझे वीना ने कैसे लिए विजिट किए, किसी को कौन खाना। मैं इसके लिए महाबलेश्वर स्पेशली आता हूँ, बिकॉज यहाँ का जो कॉर्न है ना ये आपको पुणे में भी नहीं मिलेगा, इतना मीठा और इतना सॉफ्ट होता है। अब तो ट्राई करके बताओ कैसा है ना। तुम इतने सालों से पुणे में खा रहे हो और इसका टेस्ट कैसा है। यहाँ के स्वीट कॉर्न खाना मस्त है, अगर आप आओगे ना यहाँ पे, ये सारी जो दुकानें आपको दिख रही है ना सारी स्वीट कॉर्न की दुकानें हैं। ये देखो अभी बज रही है 7:30, तो अभी बोटिंग आधे घंटे में बंद होने वाली है, अंधेरा भी हुआ है पीछे देख रहे हो आप। तो हम यही सोच रहे हैं कि यार अभी बोटिंग नहीं करेंगे, कल आएंगे 4 बजे तक। तो ये मैप्रो गार्डन से 6.5 किलोमीटर और अपने रिजॉर्ट से जो है लगभग 9 किलोमीटर के आसपास होगा, सो ज्यादा दूर है नहीं, आप आराम से आ सकते हो। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, तो इजी एक्सेस है, आप आके यहाँ पे बोटिंग में एंजॉय कर सकते हो। बट ध्यान रखना अभी गर्मी ज्यादा है, तो एटलीस्ट 4-5 बजे के आसपास आ जाओ तभी मजा आएगा। ओके तो यहाँ है इस बोटिंग की चार्जेस, एक बार देख लेना आप। नट्टू चले, अब थक गई। अच्छा लगा, बहुत रश है, इस वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है। और कैसा है कि अभी वीकेंड है तो सब लोग अभी आए हैं, ऐसा बट अभी क्लाइमेट कैसा है वो बताओ। शाम के 7:30 बज रही है और ठंड लग रही है लिटरली, यहाँ पे चिल्ड एटमॉस्फेयर है, तो ये गर्मी में आना बिल्कुल भी सही है आप लोगों के लिए अभी। ओके गाइस, तो हम लोग आज के लास्ट डेस्टिनेशन पे रुके हैं जो कि है चीज़ फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ विंटेज कार दिखी है मुझे, बहुत प्यारी सी। सो यहाँ पे है प्योर गोल्ड हनी, यहाँ पे है जैम और टॉपिंग्स मिलते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे है चीज़ फैक्ट्री। अंदर जाके देखे नक, तो देखना है क्या अंदर से। ये देखो तो यहाँ पे है ना अलग अलग टाइप के चीज़ हैं, ये देखो ये है पेरी पेरी चीज़, ठीक है, इसका कॉस्ट है 255 रुपये, और ये है क्लासिक चीज़, इसका कॉस्ट है 255 रुपये। गार्लिक एंड हर्ब्स चीज़ स्प्रेड, इसका प्राइस भी 255 है। यहाँ पे चीज़ के स्लाइस भी हैं, ये है 160 रुपये का। कितना ठंडा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, बताए क्या। अरे आम लगे हुए इसको तो। ओके तो यहाँ पे, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, और इधर यहाँ पे ना ये वाला, ये टेस्टर है, यहाँ पे आप चीज़ ट्राई करो, आपको जो टेस्ट के हिसाब से पसंद है वो यहाँ पे आके परचेस करो।